Hello friends, welcome to SSD Educational Classes, and today's our topic is Elasticity of Demand. Friend, Elasticity of Demand पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखना पड़ेगा डिमांड का. पहले आपको पता होना चाहिए कि डिमांड क्या है. आइए फ्रेंड्स देखते हैं डिमांड क्या होता है. डिमांड पांच चीजों से मिलकर बनता है. कुछ लोगों को डिमांड का मतलब पता है कि सिर्फ मांग करना, मतलब कुछ चीज की अगर हम मांग कर रहे हैं, जो चीज हमारे लिए वॉन्ट है वो डिमांड है. लेकिन रियलिटी लाइफ में ऐसा नहीं होता. डिमांड पांच चीजों को मिलाकर बनती है. दैट इज, पहली चीज डिजायर. डिजायर मीन्स आपकी इच्छा कि आप वो कोई भी कमोडिटी परचेज करना चाहते हैं. जब तक डिजायर नहीं होगा आप कोई भी कमोडिटी परचेज नहीं करना चाहेंगे. सेकेंड चीज है एबिलिटी टू पे. जो चीज आपने डिजायर की है क्या आपके पास एबिलिटी है उसको पे करने की. अगर आपने कोई कार डिजायर की है, दैट इज आपकी इच्छा है कोई भी कार खरीदने की, तो क्या एबिलिटी है आपके पास उसकी पेमेंट करने की. नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि विलिंगनेस टू पे. फॉर एग्जाम्पल आपकी डिजायर थी कार परचेज करना, 10 लाख की कार परचेज करना चाहते हैं, आपके पास एबिलिटी भी है, इट मीन्स आपके पास पैसे भी है पेमेंट करने के, लेकिन आपकी विलिंगनेस नहीं है, इच्छा नहीं है आपकी पेमेंट करने की. पैसे हैं लेकिन आपकी इच्छा नहीं है पेमेंट करने की. दैट इज, वो 10 लाख आप कार पे नहीं खर्च करना चाहते, वो 10 लाख किसी और जगह पे खर्च करना चाहते. नेक्स्ट फैक्टर बोलता है टाइम. क्या आप आज के टाइम पे वो पैसे खर्च करना चाहते हैं. और नेक्स्ट फैक्टर है प्राइस. क्या आप वाकई 10 लाख रुपए की कार खरीदना चाहते हैं या उससे कम प्राइस की. तो ये पांच फैक्टर हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं. और जब तक ये पांचों फैक्टर साथ में नहीं आते आपकी डिमांड क्रिएट ही नहीं होती. हमें लगता है हमें कोई चीज चाहिए, हमारी वांट है, और वही डिमांड है. डिमांड आपकी वांट नहीं है, आपकी वांट्स भी डिमांड भी नहीं है. डिमांड तब क्रिएट होता है जब पांच चीजें मिलती हैं, दैट इज डिजायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे, टाइम एंड प्राइस. और ये डिमांड डेवलप की गई थी एल्फर्ड मार्शल के द्वारा. एल्फर्ड मार्शल ने अपनी बुक में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक में 1890 में डिमांड के बारे में बताया. और उन्होंने कहा अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, बाकी सब चीजें सेम है, द हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड. इट मींस जितनी ज्यादा प्राइजेस बढ़ेंगी, हायर द प्राइजेस, जितनी ज्यादा प्राइजेस बढ़ेंगी किसी भी कमोडिटी के, उतनी ही स्मॉलर डिमांड की जाएगी. दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड इज स्मॉलर. जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे मार्केट में किसी भी कमोडिटी के, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी. ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था डिमांड का. आइए फ्रेंड्स देखते हैं इलास्टिसिटी क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं. आइए फ्रेंड्स देखते हैं मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी मीन्स डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू फॉल और राइज इन इट्स प्राइस. अभी तक हमने ये देखा कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी चेंज होती है, डिमांड हमें ये बता रहा था. लेकिन इलास्टिसिटी वो चीज है जो बताता है कि कितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ तो कितनी परसेंट क्वांटिटी चेंज हुई. मतलब आप जब प्राइस चेंज कर रहे हो, कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. चेंज मीन्स डिक्रीज और इंक्रीज, दोनों ही. अगर आप प्राइस कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो तो कितना डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा. कई बार ऐसा होता है कि आप प्राइस ज्यादा बढ़ाते हो लेकिन डिमांड पे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता. तो ये सब इलास्टिसिटी बताएगा कि कितने प्राइस बढ़ने पर कितना चेंजेस आता है डिमांड पे. और ये इलास्टिसिटी तीन टाइप्स में पढ़ा जा सकता है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी. जब हम बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी, ये प्राइस के चेंज होने पर इलास्टिसिटी रहती है, दैट इज प्राइस के चेंज होने पर डिमांड चेंज हो रही है. इनकम इलास्टिसिटी, इनकम के चेंज होने पर आपकी डिमांड चेंज हो रही है. और क्रॉस इलास्टिसिटी दो प्रोडक्ट के साथ रहता है, दैट इज एक प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस चेंज होने पर दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती है. आइए थोड़ा फ्रेंड्स इसके देखते हैं डिटेल में और इसके फॉर्मूले देखते हैं. ये तीन प्रकार की इलास्टिसिटी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. आइए फ्रेंड्स देखते हैं इलास्टिसिटी के तीन टाइप्स जो कि हमने आपको पहले दिखाया, लेकिन ये यहां पर हम दिखा रहे हैं कि आपके प्राइस इलास्टिसिटी के, इनकम इलास्टिसिटी के और क्रॉस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले. तो जब हम बात कर रहे थे प्राइस इलास्टिसिटी की तो मैंने आपको बताया जब आपकी डिमांड चेंज हो रही है लेकिन प्राइस के कम ज्यादा होने पर चेंज हो रही है तो उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी. तो फॉर्मूला क्या बताता है,
देयर इज चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब ये फॉर्मूला लर्न करने के लिए आपका सबसे इजी एक फॉर्मूला या एक इजी तरीका ये रहता है, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान पे रखनी है. आप जब भी देख रहे हैं यहां पर तो ये परसेंटेज में है, देखिए तो हर एक चीज परसेंटेज में चेंज हो रही है, लेकिन हर बार क्वांटिटी ऊपर है. चाहे वो प्राइस इलास्टिसिटी की हो तो भी क्वांटिटी ऊपर है, वो इनकम इलास्टिसिटी की हो तो भी क्वांटिटी ऊपर है, चाहे वो क्रॉस इलास्टिसिटी की हो तो भी वो डिमांड की क्वांटिटी ऊपर ही रहेगी. एंड इट इज डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ फैक्टर. फैक्टर मींस अगर वो प्राइस इलास्टिसिटी है तो चेंज इन प्राइस, अगर वो इनकम इलास्टिसिटी है तो चेंज इन इनकम, और अगर वो क्रॉस इलास्टिसिटी है तो वो प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटी. तो प्राइस इलास्टिसिटी मींस चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, कितना चेंज आया आपका क्वांटिटी में क्योंकि आपने चेंज किया था प्राइस में. प्राइस के चेंज होने पर जब क्वांटिटी भी चेंज होती है तो इसे बोलते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी. और इनकम के चेंज होने पर, दैट इज अगर आपकी इनकम बढ़ गई और तब आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी. फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. थर्ड फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी का, यहां पर दो प्रोडक्ट आते हैं. जब बात आ रही है क्रॉस की तो क्रॉस मीन्स दो प्रोडक्ट. एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, दैट इज टी और कॉफी, आपके अगर प्राइजेस टी के इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड कॉफी की बढ़ जाएगी. कॉफी के प्राइजेस में कोई भी चेंजेस नहीं है लेकिन फिर भी उसकी डिमांड बढ़ रही है. तो जब दो प्रोडक्ट का इफेक्ट एक दूसरे पर पड़ता है तब क्रॉस इलास्टिसिटी आती है. और यहां पर जो फॉर्मूला बताया वो है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी. फॉर एग्जाम्पल, ए इज अवर टी, हमने एग्जाम्पल टी लिया था. तो अगर चेंज इन टी है, डिमांड ए की कमोडिटी की इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि प्राइस बी कमोडिटी का चेंज हो रहा है. यहां पर भी आपको ध्यान में रखना है प्राइस नीचे जा रहा है, डिमांड क्वांटिटी ऊपर आ रही है. आइए फ्रेंड्स देखते हैं हमारे पास इलास्टिसिटी के डिमांड के जो दो टाइप्स थे. यहां पर आपको दो टाइप्स दिख रहे हैं, एक है परफेक्टली इलास्टिक और एक है परफेक्टली इन इलास्टिक. सबसे पहले बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक की. दो एक्सेस होते हैं, एक होता है ओ एक्स एक्सेस और एक होता है ओ वाई एक्सेस. ओ एक्स एक्सेस पे हमेशा डिमांड कवर की जाती है और ओ वाई एक्सेस पे प्राइस. हम जब इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिमांड का बढ़ना, दैट इज डिमांड का खिंचना. आपको पता है इलास्टिक मतलब वो चीज जो खिंच जाती है, तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिमांड का खिंचना. यहां पर आप देख रहे हैं प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, न प्राइस ऊपर जा रही है न प्राइस नीचे जा रही है. देयर इज नो चेंज इन प्राइस, लेकिन फिर भी आपकी डिमांड बहुत ज्यादा खिंच जा रही है और वो डिमांड इतनी खिंच रही है कि वो इनफाइनाइट तक जा रही है, मतलब अनगिनत. कोई लिमिटेशंस ही नहीं है डिमांड की, बल्कि यहां पर प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है. जब ऐसी कंडीशंस आती हैं तब इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, और ये इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक कहलाता है. यहां पर जो डिमांड कर्व रहता है वो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व रहता है और ये पैरेलल रहता है ओ एक्स से. आपको दिख रहा है ये ओ एक्स है, इट इज पैरेलल टू ओ एक्स. हालांकि दूसरे साइड में जब हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक आता है, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब रहता है, जब हमने बोला इलास्टिक मतलब खिंचना, तो परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब है आपकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं हिल रही है. देखिए डिमांड कर्व को, जब हमारी प्राइस थी पी तभी भी डिमांड उतनी ही थी, जब हमारी प्राइस बढ़ गई और पी वन हो गई तभी भी हमारी डिमांड उतनी ही है, जब हमारी प्राइस पी टू हो गई तभी भी हमारी डिमांड उतनी ही है. यहां पर डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा. जब डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है तो हम बोलते हैं ईडी इक्वल्स टू जीरो. यहां पर डिमांड में कोई चेंज नहीं है. इसका एग्जाम्पल है नमक. नमक के प्राइसेस कम हो जाएं या बढ़ जाएं, उसकी डिमांड कम या ज्यादा नहीं होती. ना आप नमक खाना कम करते हैं और ना ही नमक खाना बढ़ा देते हैं अगर प्राइसेस में चेंज आता है तो. और ये वाला कर्व हमेशा वर्टिकल रहता है ओ वाई से, ये पैरेलल रहेगा, इसको वर्टिकल कर्व कहते हैं, और ये ओ वाई से पैरेलल रहेगा. ये देखिए, ये दो प्रकार हैं इलास्टिसिटी के, अभी भी तीन प्रकार बाकी. आइए देखते हैं इसके तीन टाइप्स और कौन से हैं. आइए फ्रेंड्स देखते हैं आगे के तीन पार्ट कौन से. अभी तक आपने दो ही पार्ट पढ़े हैं, एक है हमारा परफेक्टली इलास्टिक
और एक था हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है वो है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब रहता है जब आपके प्राइजेस बढ़े, दैट इज देखिए यहां पर पी से लेकर पी वन तक आपके प्राइजेस बढ़े तो डिमांड भी आपकी जो थी वो कम हो गई, क्यू से लेकर क्यू वन तक यहां पे दिख रहा है आपको डिमांड आपकी कम हो रही है। लेकिन यहां पर जब मैं बोल रही हूँ इलास्टिसिटी तो यहां पर आप मेजर कर रहे हैं कि मेरी डिमांड कितनी कम हुई। सपोज आपके प्राइसेस 50% कम हो गए, मैंने आप एग्जांपल लिया है 50% आपके कम हुए हैं तो क्वांटिटी भी 50% ही कम हुई है। अगर आप गैप देखेंगे तो दोनों का गैप सेम ही दिखेगा। तो 50 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू 1, इसलिए यूनिटरी इलास्टिक को हम बोल रहे हैं ईडी इक्वल्स टू 1, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम है। जितना प्राइस कम हुआ उतनी ही क्वांटिटी भी कम हुई, जितना प्राइस बढ़ा उतनी ही क्वांटिटी ही कम हुई, क्योंकि हमारा लॉ बोलता है एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिक्रीजेस। तो 50% अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो 50% क्वांटिटी कम हो रही। जब हमने दोनों का चेंज डिवाइड करके देखा तो हमें मिला 1, इसलिए इसको यूनिटरी इलास्टिक कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब है जब आपको वर्ड मिल गया इलास्टिक तो इट मीन्स डिमांड बढ़ने वाली है। आपको मैंने पहले भी बताया था इलास्टिक का मतलब होता है जब आपकी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि इलास्टिक ही ऐसी चीज है जो खिंचता है। यहां पर जो हमने देखा कि हमारी डिमांड जब थी पी तो हमारी क्वांटिटी थी क्यू, जैसे ही प्राइस कम होकर पी वन तक आ गए तो क्वांटिटी जो थी वो इंक्रीज होकर, जैसे प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी इंक्रीज होकर क्यू वन तक हो जाएगी। यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो गैप है वो कम है लेकिन क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है, दैट इज गैपिंग की क्वांटिटी यहां पर ज्यादा है। बाय चांस यहां पर 25% का डिफरेंस है तो यहां 75% का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, तो क्वांटिटी हमारा चेंजेस था 75 और प्राइस जो चेंज हुआ वो 25, डिवाइड करने पर आपको मिलता है 3 और ये 3 कभी भी 1 से बड़ा रहेगा। अगर 3 1 से बड़ा है तो हम बोल सकते हैं ये जो हमारी इलास्टिसिटी निकली ईडी इज ग्रेटर देन 1। और एक सिंपल फंडा ये भी रहता है, यहां पर जैसे क्वांटिटी बढ़ गई मतलब आपकी डिमांड भी बढ़ गई तो ईडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये है रिलेटिव इलास्टिसिटी। नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट जो आता है रिलेटिव इन इलास्टिक का वो ये है कि जब आपकी प्राइजेस कम हो रही है, पी से पी वन तक प्राइजेस कम हो रही है, डिमांड इंक्रीज होगी लेकिन डिमांड जो इंक्रीज होगी वो लेस प्रोपोर्शन में हो रही है। आपकी प्राइजेस 75% तक कम हो रहे हैं लेकिन डिमांड सिर्फ 25% तक ही इंक्रीज हो रही है। फॉर्मूले पर लगाने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा 25 डिवाइडेड बाय 75, कट करने पर आपका जो आंसर आएगा 0.33 के आसपास आएगा। जब इस तरीके से आता है तब वो 1 से कम रहेगा। 1 से कम मतलब आपका जो भी आंसर आएगा वो 1 से कम ही रहेगा, इट मीन्स ईडी इज लेस देन 1। तो ये है रिलेटिवली इन इलास्टिक। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंसेप्ट समझ में आया है या कोई भी डाउट है तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।